झारखंड के पाकुड़ में थाना हिरणपुर क्षेत्र के हाथकाठी में रहने वाले मोहम्मद हुसैन के घर को बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। चोरी की घटना की सूचना पर इलाकाई पुलिस मौके पर जांच में जुट गई है। मोहम्मद हुसैन ने बताया कि बीते 2 मार्च को घर के सभी सदस्य बड़तल्ला में आयोजित सालाना जलसे में शामिल होने गए थे, तभी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 4 बजे कल शाम को हम लोग यहाँ से बड़तल्ला गए थे जलसा सुनने के लिए। रात भर वहीं थे। सुबह जब 8:30 बजे आए तो मेरा घर का ताला तोड़ा हुआ था। जब हम लोग घर में प्रवेश किए तो देख रहे लॉकर का भी ताला। तब उसके बाद पुलिस को सूचना दिए और 45,000 रुपया मेरा कैश था और 4 भरी सोना था और 40 भरी चांदी था और 2 बाइक का चाबी गायब है, 7 ATM गायब है और मेरा डॉक्यूमेंट सब बिखरा हुआ है। अभी तक मैं कुछ हाथ नहीं दिया हूँ। प्रशासन जब मैं हमको ऑर्डर देगा तब हम जी सर थाना में आवेदन दिए हैं। पुलिस अपने अपने हिसाब से सीसी कैमरा में फुटेज जो नज़र आ रहा है उस लेके गया है, उसके लिए वो उचित कार्रवाई। CCTV से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति हाथ में सब्बल और ताला काटने वाला आरा लेकर ताला काट करके मेन गेट का घुसा, फिर अंदर का ताला तोड़ करके रूम घुसा और गोदरेज का सामान निकाल करके और चला गया। इसमें तो अनुमानित जो लिखा गया है इसमें लगभग 45,000 रुपया कैश, 4 भर सोना, 40 भर चांदी का जिक्र और 7 ATM कार्ड पुलिस और 2 मोटरसाइकिल का चाबी पुलिस सकती है। इस CCTV फुटेज से स्पष्ट है कि तब तक पहुंचने में कोई देरी नहीं हुई। गुरुवार सुबह जब लोग वापस घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोर तिजोरी को तोड़कर 45,000 की नकदी, 7 ATM कार्ड, करीब 500 ग्राम चांदी, 4 तोला सोना चुरा ले गए हैं।